पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्विवार्षिक निर्वाचन स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र के लिए मुरादाबाद में 9 अप्रैल को मतदान होना है। इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। तो वहीं प्रत्याशी अपने गणित सेट करने में लगे हैं। मतदान के लिए मुरादाबाद और बिजनौर में कुल 38 बूथ बनाए गए हैं। शुक्रवार को कलेक्ट्रेट स्थित तो मुशायरा ग्राउंड से पोलिंग पार्टियां केंद्रों के लिए रवाना हो गई। मुरादाबाद और बिजनौर जनपद के 8,666 जनप्रतिनिधि वोटर हैं, जो MLC चुनाव में अपना मतदान करेंगे, जबकि चुनाव लड़ने वाले 2 प्रत्याशी हैं। इसमें भाजपा ने अपना प्रत्याशी पूर्व सांसद सतपाल सैनी और सपा ने अपना प्रत्याशी अजय प्रताप सिंह उर्फ अजय मलिक को मैदान में उतारा है, जो MLC का चुनाव लड़ रहे हैं। मुरादाबाद जनपद में 8 ब्लॉक हैं जिन्हें मतदान केंद्र बनाया गया है, जबकि जिला पंचायत कार्यालय को मतदान केंद्र बनाया गया है। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि मतदान में तकरीबन 8,666 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। देखिए, अगर हम मुरादाबाद की बात करें, टोटल 35 वोट हैं इन चारों जिलों में, 8,083 वोट हैं। मुरादाबाद की बात करें तो यहाँ पर 9 पोलिंग स्टेशन हैं और 9 पोलिंग स्टेशन पर आज हमारी पार्टियाँ रवाना हो रही हैं और हर पोलिंग पार्टी के लिए एक सेपरेट बस्ती में अपने नजर आए। एक पार्टी में एक प्रिसाइडिंग अफसर है, उसके अलावा 3 पोलिंग अफसर, एक माइक्रो ऑब्जर्वर, एक सेक्टर मजिस्ट्रेट है और हर जगह एक एक जोनल मजिस्ट्रेट भी लगाया गया है और पर्याप्त पुलिस बल भी लगाया गया है, जिसमें सीएम जी भी शामिल है। तो सभी लोग यहाँ साथ कल प्रातः 8 बजे से लेकर 4:30 बजे तक मतदान होगा। मतदान के उपरांत चारों जिलों के मतपेटिका मुरादाबाद स्थित मंडी समिति का जो वेयर हाउस है उसमें जमा की जाएगी और 12 तारीख को प्रातः मतगणना शुरू होगी। सभी कर्मचारियों को, सभी अधिकारियों को पूरी तरह से प्रशिक्षित किया जा चुका है। आज भी डाउट क्लियरिंग सेशन का किया जा रहा है, जिससे अगर कोई मन में संशय हो तो उसको दूर किया जा सके और मुझे लगता है कि जो पूरी तैयारियाँ कम्प्लीट हैं और पूरे पारदर्शी पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।